अब आप 3 दिन के बाद हिंदुस्तान जा रहे हैं ना, आप जब तक इस कंट्री में हैं तब तक आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, और मेरी एक राय है कि आज के बाद आप इस घर से ना निकले और मैं खुद आपको जहाज तक छोड़ दूंगा। तब तक ऊपर वाले पर वी डूइंग द बेस्ट वी कैन सर। आई नो यू आर राइट। गुड नाइट देन सर। गुड नाइट मैम, एंड थैंक यू फॉर द जेन्युइन इंडियन टी। थैंक यू। तुझे सब कुछ मालूम है चोपड़ा कहाँ है? बोल। नहीं मालूम। बोल। नहीं मालूम। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ नहीं बताऊंगा। एक नहीं तो बताता हूं। दिवाली के दिन धमाका होगा साइकिल हाउस के अंदर। आप इतने दिन तक कहाँ थे? क्या मुझे भूल गए? ये नामुमकिन है। और अंकल आपके पास मेरा रिपोर्ट कार्ड है, वो मुझे चाहिए। हम इंडिया जा रहे हैं। कल परसों तक लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ध्यान से सुनना। जाने में 9 मिनट की देर हो गई। तुम्हें तो 9 ही मिनट की देर हुई कोमल। मैं तो 9 बरस देर से आया। 9 बरस? मगर इतनी देर कैसे हो गई? नया मुसाफिर जो था गलत रास्ते में खो गया था। खाने के लिए कुछ लाइयो, बहुत भूख लगी है। ओह, मैं अभी ले आती हूँ। रहने दो, बहुत भूखा रह चुका हूँ। घर में पुलिस है? हाँ। अस्तबल में? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। चलो फिर वहीं चलते हैं। बिहेव राजू, कम ऑन राजू, बिहेव। कोमल, मैं यहाँ से पैदल चलता हूँ, तुम जाओ। जाओ। कोई नहीं आता। ये जगह ठीक रहेगी। बहुत चलाको।
मारना क्यों चाहते हो? तुम्हें अगर कोई शिकायत है तो मुझसे है ना, तो बदले मुझसे लो। गौतम तो बेकसूर है। मैं गौतम को मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक खूनी मुजरिम झूठ नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? पहली रात तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, लेकिन कहो कि गाड़ी में तुम नहीं थे। दूसरी बार तो बॉम्ब था, लेकिन तीसरी बार शो में मैंने तुम्हें साफ साफ देखा था। पहली बार तुम्हें गाड़ी में देखकर मेरा हाथ हिल गया था, वरना मेरा निशाना खाली नहीं जाता। और दूसरी बार मैं गौतम को मारने नहीं, बचाने गया था। बचाने? तुम? हाँ। और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इन दो हफ्तों में तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? क्या बदलने का हक सिर्फ तुम्ही को है सपना? 9 बरस पहले जब तुम मुझसे बिछड़ गई थी, तो ऐसा लगा मेरे अंदर कुछ टूट गया है। लेकिन एक दिन इन्हीं 2 हफ्तों में मेरा सारा गुस्सा, सारा गम मुम हो गया, मेरे सारे घाव भर गए, मेरा सब कुछ बदल गया एक ही पल में, जब मैंने ये जाना कि कोमल मेरी बेटी है। तुमने बेवफाई नहीं की सपना, तुमने मेरे प्यार की परवरिश की है, उसे परवान चढ़ाया। हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल हमारे ख्वाबों की तस्वीर। तुम्हें याद है? तुमने कोमल को पता तो नहीं दिया कि तुम उसके? नहीं, मैं जानता हूं कि कोमल गौतम को बहुत प्यार करती है। अगर गौतम को कुछ हो गया तो वो बहुत रोएगी, और मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसीलिए गौतम की हिफाजत करना मेरा फर्ज बन गया। तो फिर बार बार गौतम को मारने की कोशिश कौन कर रहा है? करने से काम बिगड़ भी सकता है। तुम नाम जानते हो और बताओगे नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अगर तुमने मुझे कभी प्यार किया था, एक पल भर के लिए भी, आज उस प्यार के नाम पर मुझ पर भरोसा करो। हाँ, करती हूं। तुम यहां से चले जाओ प्लीज। अगर गौतम को मालूम पड़ गया कि तुम यहां हो तो ही किल यू। फिर तो ये चांस मुझे लेना ही पड़ेगा। तो फिर इस उलझन से निकलने के लिए गौतम को सच बता देने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा? कौन सा सच? हमारा सच, कोमल का सच। नहीं सपना, ऐसा नहीं करना। गौतम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर ये चांस मुझे भी लेना ही पड़ेगा। सपना, तुम कभी इस बात को सोचती हो कि तुमने हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? हमने तो एक दूसरे से सिर्फ प्यार किया था, और क्या जुर्म था हमारा? मैं कोशिश करती हूं कि अब उन बातों पर ना सोचूं। मैं जानता हूं मेरा जुर्म क्या था। मेरा जुर्म था मेरी गरीबी। नहीं अर्जुन, जुर्म मेरा था कि मैं उस वक्त सिर्फ
17 बरस की थी। Yes, sir. May I help you? Mr. Sega, there is a call for you. Yes. Mr. Janish Chopra is at the gate for you. Shall we let him in? Mama ji, America mein? Yes, yes. Please let him in. Thank you. मामा जी आप नहीं सुधरेंगे। बच्चे जिंदगी का मजा बिगड़े हुए लोग ही लूटते हैं। हाँ, लूट से एक बात याद आ गई। हाँ। वहाँ हिंदुस्तान में मेरे 30 स्टेट्स में कैसी लूट मची हुई है। आए दिन फोन आते रहते हैं, चाय के 3 ट्रक कभी 5 ट्रक चोरी हो गए। आखिर इसमें किसका हाथ हो सकता है। मैं भी बहुत दिनों से इसी के लिए परेशान हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का भेजी लंका ढारा हो। जब भांजा कह रहा है तो मामा होशियार रहेगा। वैसे तुम फिक्र मत करो।